बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। बिजली चली गई है हैदर और हमारा भी लोग हो गया है स्टार्ट, तो आपने रहना है हमारे साथ। हैदर अली की आपको कराते हैं नखरे चेक। चलो जी नखरे दिखा छोड़ो। हैदर हाँ बेटा चले गए, नखरे दिखा छोड़ो, नखरे दिखा छोड़ो। हैदर हैदर चलो नखरे दिखा दो। नहीं दिखाता ये आज आप। पता नहीं क्या है, नखरे नहीं दिखा रहा। नखरे नहीं दिखाने, चलो नखरे दिखा दो। बाकी जो हैं स्कूल चले गए हैं सारे। हाँ। और सिर्फ हम बच्चे हैं। बच्चे हैं। आप हैं। हाँ जी। और आप हैं और हैदर अली है। नहीं इधर भी हैं लोग, ये देखे बीबी भी है और भाभी समीना भी है और ढोला भी है। ओए ढोले को गोले ढोलू, इधर देखो ढोलू गाड़ी पे जाना है। चाचू को बताओ ढोलू गाड़ी पे जाना है। आपने जाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते हैं। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो अभी जो मैं बनाने लगी हूँ रोटी गर्मा गर्म, तो जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं और बाकी का जो काम होगा वो भी दिखाएंगे, शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ठंड ना बहुत है, तो ठंड की वजह से ना ही तो बातें आती है, ना ही कुछ करने को आता है काम वगैरह, दिल करता है छुप के बैठे रहे। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तो आज भी हमारा जो है ये एक निक्का जहाँ भी लोग है, जिसने किसी ने देखना है तो पूरा देख ले। हाँ। इतना टाइमिंग नहीं होती आजकल, क्योंकि हम जो है अभी थोड़ा परेशानी में मुबतला हो गए हैं। दोनों फर्द जो हैं बीमार हैं और इसी वजह से सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ कि बस गप शप डेली की हो जाए, लेकिन ये कोई व्लॉग खास ये चीज़ें नहीं हैं। तो आप 2-3 दिन बर्दाश्त करें, फिर इंशाल्लाह जब तक ठीक हो जाएंगे तब तक फिर उसके बाद जो है हम अपने व्लॉग बेहतरीन तरीके से बना लेंगे। जी हाँ। अभी भाभी नसीबा जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा हमारी वजह से परेशान हैं, देखें कैसे बैठी रहती हैं। सही बात है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दियों का सीज़न है और ऐसी ऐसी बीमारी अल्लाह पाक की तरफ से आती है ना, इंसान तो नहीं देता। तो फिर इलाज भी कर रहे हैं लेकिन फर्क नहीं आ रहा, तो परेशानी वाली बात का है। हाँ जी। तो खांसी जो है वो मजीद बढ़ चुकी है, आपकी भी बढ़ चुकी है। अभी आपने तो टेस्ट ही नहीं करवाया ना? मैंने तो टेस्ट करवाया है लेकिन दवाई खाई है, फर्क 1 रुपया भी नहीं पिया। आज ना मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपके चेहरे के ऊपर ना सोजन लगी। हाँ वो ना सारी रात ऐसे खांसते ना बहुत अंदर का जो सिस्टम है ना फैल गया। जो फेफड़े होते हैं सांस लेने वाले उनमें ना दर्द बहुत है। ये सांस निकालता हूँ ना तो सही, जब वो ख़त्म हो जाता है ना फिर वो दुखने लगते हैं, फिर जब अंदर सांस खींचता हूँ तो फिर नहीं दुखते। वो छेक पड़ती है ना खांसी की वजह से, पूरा बदन जो है ऐसे जैसे कोई छींक रहा है बाहर की तरफ, इसलिए वो वर्में भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना।
फिर गला सारा दिन खांसी करते करते वो खुश्क हो जाता है, जैसे कोई चीज अटक गई है गले के ऊपर ना, खुश्की बहुत हो जाती है। तो फिर वो ऐसे ऐसे कुछ जैसे महसूस हो रहा है कोई चीज अटकी हुई है। सुबह सुबह का टाइम है, ये देखें माहौल, धूप निकलने लगी है। तो टाइम आपको चेक करा देता हूँ, ये देखें 8:39 हो चुके हैं। अभी मैडम साहबा खाना शाना बनाएंगी, रेडी करेंगी, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हमारा व्लॉग हो जाएगा खत्म। हाँ जी, चला जी, खाना जो है बना लिया है और सालन भी गर्म कर लिया है, तो अभी इसे डालते हैं कटोरी में और फिर जो है नाश्ता देते हैं सबको। वो देखें माशाल्लाह जो है मैंने उठा लिया है, तो अभी चलते हैं। ये देखें, ये लें जी खाना, और मुखलिस भाई भी खड़े हैं। भाई आप भी बैठ जाएं साथ, जिसने जिसने भी खाना खाना है आके खा सकते हैं, सब लोग देख रहे हैं। हाँ। अहमद भाई, हमने डेली एक रोटी डेढ़ रोटी खाते थे, आज हमने खाई भी सुबह सुबह और खाई भी तीन तीन रोटियां, क्योंकि रेसिपी ही इसने ऐसी बनाई, इसलिए पेट भर आया हुआ है। हाँ। अपना पहले देख, अपना अपना किसी को नजर नहीं आता है, इधर पेट है देख, वो अंदर कर लिया, पैंट शर्ट पहनो लग जाएगा बता। नहीं नहीं भाई ने ऐसे कर लिया, तुम करके दिखा दो। हाँ, मैं की दिख रहा है, ये देसी घी वाली है या दूसरे वाली? देसी घी वाली है। हर प्रोग्राम कोई नहीं खाना चाहता, कोई भी नहीं आ जा रहा। चले आप आ जाए। हाँ मैं आ रही हूँ, जो नहीं आता ना आए हम खा लेंगे। आप। हाँ जी हाँ जी, खाना तो खा लिया है, लेकिन ये पैसे किसके हैं ये मुखले साहब बताएंगे। वसूली हुई होगी, हिसाब किताब किसी को देना होगा, किसी से लेना होगा। चले मैडम साहबा से ही पूछ लेते हैं कि किसके पैसे हैं, तो बहुत सारे हैं ना, 200, 250 और ये 50 है, मेरे 400 है बस। हैदरा क्या कर रहे हो? हैदर हैदर आजकल देखता भी नहीं है। हैदर चलो नखरे दिखा छोड़ो, नखरे दिखा छोड़ो, नखरे दिखा छोड़ो। ये किसके हैं पैसे? ये पड़े हैं, ये हैं मेरे, उठाएं फिर। उठा रही हूं। अच्छा आपने क्या लेना है? शॉपिंग में से मैंने लेने हैं। शॉपिंग नहीं, वो जो बोल रही थी आप कि मैंने ये लेना है। हाँ वो हार्ड पार्ट लेना है, रोटी वाला। रोटियां ना ऐसे रखती हूँ तो ठंडी हो जाती हैं, तो वो रोटियां बना के गरम गरम में डाल के रख दूंगी। अच्छा हाँ जी, चलो सही है फिर ले लेना। हाँ। लेकिन अभी जो है हम जा रहे हैं कहीं दूर जी, तो इंशाल्लाह कल तक वापस आएंगे ना जी, फिर बाद में ले आएंगे, क्योंकि हो सकता है फिर मुझे बहावलपुर भी जाना पड़े दवाई लेने के लिए जी। तो कोई हिसाब किताब लगाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर ले लेंगे ना। हाँ जी, ये बर्तन भी उठा लें, चाय बन गई है, चाय जल्दी जल्दी बनाए मुझे ना, जो रात दवाई लेके आया हूँ वो ला दें। ये दवाई जी ले आया था रात को, ये थी गोलियाँ। ये कौन सी गोलियाँ हैं बड़ा? ये मच्छी वाले कैप्सूल, ऐसे नीचे ना गिराओ ना भाई, हाथ गिर रहा हूँ, सिर्फ एक निकाल रहा हूँ, ये नहीं गिरेगा भी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे देख ले खोल के। अब एक दे एक, हाँ ये देख ले, ये है सही है, ये सही होता है सेहत के लिए, ये सांस के लिए ना बिल्कुल सही है। और ये है अल्कोहल से पाक, अल्कोहल फ्री, ये वैक्स है, ये भाप लेने के लिए, स्टीम बोलते हैं, भाप भी बोलते हैं वो जो है।
मुझे किसी ने कहा है कमेंट में आपके लिए कि ग्रीन टी कहवा जो होता है ग्रीन वाला, वो और जो कुछ आइटम थे उसने बताया कि वो इस्तेमाल करें ना सांस की बहाली के लिए, वो अच्छे होते हैं। ये गोलियां दो देना और ठंडा जो है ना वो बिल्कुल नहीं पीना। पानी गर्म है ठंडा है? पानी ठंडा है, पानी गर्म देना था। ठंडी चीजें इस्तेमाल ना करें फिर। अच्छा वो भाई आप ना वो बाहर कोई आया हुआ देख के आना, जल्दी जल्दी काट लें।